हेलो दोस्तों, आगे कंटिन्यू करते हैं मिक्सर एलिगेशन के पार्ट को। अगला टाइप जो हम लोगों को दिया गया है वो दिया गया है कि जैसे अ कंटेनर कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:3। हाउ मच पार्ट ऑफ मिक्सचर शुड बी टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द कंटेनर कंटेन्स हाफ मिल्क एंड हाफ वाटर। मतलब हम लोगों के पास में एक कंटेनर जिसमें 7:3 के रेशियो में वाटर मिल्क और वाटर दिया गया है। कुछ पार्ट हमें निकालना है, उतना पार्ट हमें वाटर डाल देना है ताकि हम लोगों को हाफ मिल्क और हाफ वाटर हो जाए। हाफ मिल्क हाफ वाटर का मतलब है कि हाफ हाफ का रेशियो, दैट मींस 1:1 बन जाए। याद आया होगा दोस्तों आपको, हमने इस तरीके का क्वेश्चन किया है। वहां पे टेकन आउट की बात करता था लेकिन वो टेकन आउट की क्वांटिटी देता था, ठीक है, और कहता था कि इनमें से कितना मिक्सचर मिलाया जाए। कुछ याद होगा आपको, ठीक है। तो यहां से उठा लेते हैं, आपको जो पसंद है वो उठा ले। मिल्क उठा लेते हैं कि 7 मिल्क है कितने में से, 10 पार्ट में से। हमें वाटर मिलाना है और वाटर फ्रीली अवेलेबल होता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 0। और हाफ हाफ क्वांटिटी करनी है, दैट मींस 1/2। 1/2 में से 0 को माइनस किया तो 1/2, और 7/10 में से 1/2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 एलसीएम हो जाएगा। 7-5 दैट मींस 2/10, और इसका मतलब होगा 1/5। अगर हम यहाँ पे रेशियो की बात करें दोस्तों तो रेशियो हो गया 1/2:1/5, दैट मींस 5:2, यानी कि मिल्क का है 5 और वाटर है 2। हमसे पूछा गया कितना पार्ट टेकन आउट किया गया होगा। दोस्तों हम लोगों ने वाटर मिलाया है तो वाटर को उठा लो, कितना हम लोगों के पास में 2, और टोटल मिक्सचर कितना है 7। तो यही हमारा आंसर है कि 2 पार्ट 7 में से क्या किया गया, टेकन आउट किया गया और उतना उसमें मिल्क वाटर मिला दिया गया। आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगले टाइप की अगर बात करें दोस्तों तो अगला टाइप है कि दिया हुआ है कि कोई 40 लीटर मिक्सचर है जिसमें 10% वाटर है, उसमें कुछ और वाटर मिला दिया गया और पूरे मिक्सचर में वाटर की क्वांटिटी कितनी हो गई, 20। अगर दोस्तों बात करें मेरे पास में 40 लीटर है, उसमें से 10 लीटर क्या है मेरे पास में, वाटर है। जब मैं कुछ क्वांटिटी और डाल दूंगा तो सिर्फ वाटर डाल रहा हूँ, याद रखना, तो वाटर की क्वांटिटी बढ़ गई लेकिन मेरे पास मिक्सचर की भी तो क्वांटिटी बढ़ गई। अगर मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो नया परसेंटेज जो होगा वो नए मिक्सचर में से होगा, है ना। तो उसी को देख लेते हैं। हम लोगों के पास में पहले 10% वाटर था क्योंकि वाटर ही में ऐड किया गया है। दूसरा वाटर हमने 100% ऐड किया है क्योंकि सिर्फ वाटर ऐड किया है, ठीक है, और ऐसा ऐड करने से हम लोगों के पास में 20% हो गया, यानी यहाँ पे 80 और यहाँ पे 10। अगर मैं रेशियो की बात करूं तो रेशियो आ जाएगा 8:1। तो हम लोगों ने ऐड कितना किया है, 1, यही तो पार्ट ऐड किया है यानी कि 1, और 1 पे देखते हैं हम कितना, हम लोगों के पास में कितना था पहले 40, यानी कि टोटल था मेरे पास में 40 लीटर 8 पे। तो जब 8 पे 40 लीटर है तो 1 पे कितना हो जाएगा, 5 लीटर, और यही मेरा ऐड हुआ है, यही मेरा ऐड हुआ है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसी सीक्वेंस में दोस्तों अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरीके से दिया है कि अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 40% मिल्क, 6 लीटर मिल्क एडेड इनटू द मिक्सचर एंड द मिल्क बिकम 50%। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर एंड मिल्क, दोनों की क्वांटिटी इनिशियल में क्या थी, देखते हैं दोस्तों। हम लोगों ने यहां से 40% क्या किया है, हम लोगों ने मिल्क दिया हुआ था, ठीक है, कंटेनर में। हम लोगों ने अगला जो मिल्क मिलाया है वो 100% मिल्क ही मिलाया है, वो 6 है उसके लीटर, उसको एक तरफ रख दीजिए, और कितना बन गया हमारे पास में 50। यहां पे हो गया 50 और यहां पे हो गया 10। अगर बात करें तो रेशियो बना 5:1, ये इनिशियल है और ये जो मिक्स किया गया है, मिक्स किया हुआ है 6 लीटर, तो इनिशियल कितना हो जाएगा 30 लीटर, इनिशियल कितना हो जाएगा 30 लीटर। अगर 30 लीटर मिल्क इनिशियली है मेरे पास में, मिल्क और वाटर जो मिक्सचर है वो है, ये मिक्सचर है हम लोगों के पास में इनिशियल, ठीक है, और अगर ये इतना है मेरे पास में तो यहां से उसने कहा है कि मिल्क की भी परसेंटेज बताओ, तो 30 का 40% आप इजीली निकाल लेंगे कितना, 12 लीटर मिल्क था, 12 लीटर मिल्क था। अब देखो आंसर चेक करने के लिए, अगर मैं 6 लीटर और ऐड कर देता हूं तो टोटल मिक्सचर हो जाएगा 36,
और मिल्क ऐड हो रहा है यहाँ पे 12 यानी कि 18, तो हो गया ना 50% पूरा। यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला टाइप क्वेश्चन अगर हम देखें दोस्तों तो कुछ इस तरीके से दिया गया है, 3 containers each of 10 liter, 3 container है, हर एक की कैपेसिटी है 10 liter, filled with mixture of milk and water, the ratio of milk and water is 2:1, 3:1 and 3:2 respectively. If all the containers are mixed together, find the ratio of milk and water in the new mixture. ठीक है, देखते हैं इसको कैसे करेंगे हम लोग। दिया गया है जो हम लोगों को, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, मिल्क वाटर, इस कैपेसिटी को थोड़ी देर के लिए भूलिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप एलसीएम भी ले लेते हैं तब भी वो उसी के किसी ना किसी मल्टीपल में होगा, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये क्वेश्चन क्या होता है कि तीनों कंटेनर को एक साथ डाल देता है वो। मिल्क दो हिस्से तीन में से, यहां मिल्क तीन हिस्से चार में से, और यहां पे तीन हिस्से पांच में से, ये तो हो गया मेरा मिल्क। इसी के रेस्पेक्ट में वाटर 1/3, 1/4 और 2/5, ये मेरा मिल्क और ये मेरा वाटर। यहां से आप एलसीएम ले लीजिए 60, यहां से एलसीएम ले लीजिए फिर से 60, जैसे एलसीएम आएगा ये कंप्लीट मिल जाएगा हम लोगों को, 60-60 कैंसिल हो जाएगा और हम लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, ये मल्टीपल और प्लस होंगे। इनको एक बार सोल्व कर लेते हैं, यहां से अगर मैं 60 एलसीएम ले लूं और यहां से भी 60 एलसीएम ले लूं, मेरे पास में क्या होगा 3, 20, 40, ठीक, 4, 15, 45, 5, 12, 36, ये मिल्क, सेम 20, 15, 24, ये वाटर, कैंसिल कर दीजिए, हम लोगों के पास में बचेगा 40 + 45 = 85, 85 + 36 की अगर बात करो तो हो जाएगा कितना हमारे पास में 121, रेशियो कितना बनेगा 20, 20, 24, 44 हो गया, 44 और 15 हो गया मेरे पास में 59, आगे कैंसिल आउट होता नहीं है, तो रेस्पेक्टिवली हम लोगों का रेशियो यही हो जाएगा। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइप के अगर क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक कंटेनर में 100 लीटर मिल्क है मेरे पास, उसमें से 20 लीटर मिल्क निकाल लिया गया और उतना ही पानी डाल दिया गया, फिर से 20 लीटर मिक्सचर निकाला गया और उतना ही फिर पानी डाल दिया गया, और ये बार बार प्रोसेस रिपीट होता रहता है, अगर रिमाइंड हो तो आपको ये याद आया होगा। तो इसमें बाद में पूछता है कि टोटल क्वांटिटी में से जो मिल्क की क्वांटिटी बची है वो कितनी बची हुई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एक फॉर्मूला भी है उससे भी आप कर सकते हैं कि क्वांटिटी जो आएगी वो होगी इनिशियल 1 - जो निकाली है टेकन आउट और अपॉन में फिर इनिशियल और ऊपर की पावर n, मतलब जितनी बार प्रोसेस रिपीट हो रहा हो। इनिशियल में 100 था मेरे पास, 1 - 20/100 और यहां पे n यानी दो बार प्रोसेस रिपीट हुआ, एक बार ये और एक बार ये, यहां पे, तो यहां पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 100 × 80/100 फिर से मल्टीप्लाई 80/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 zeros से 2 zeros, तो हम लोगों के पास में कितना बच गया 64 liter। जितनी बार भी प्रोसेस रिपीट होता है आप उतनी बार इसको कंप्लीट कर सकते हैं। या इसका एक और तरीका है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि ये तो तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि क्वांटिटी क्या होगी जो बची हुई, वो इनिशियल 1 - टेकन आउट अपॉन इनिशियल और पावर n, n जितनी बार भी प्रोसेस रिपीट होता है, दो बार, तीन बार या चार बार। एक और तरीका है उसको भी देख लेते हैं,
हम लोगों को 20 निकाला गया है लीटर और 100 मेरे पास में पहले से ही था, दैट मीन्स 1/5। मान के चलो 5 इनिशियल है और 1 टेकन आउट है, तो बचा कितना मेरे पास में 4, लेफ्ट कितना रह गया 4। तो इसी से हम लोग इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। टोटल रेशियो लेफ्ट टोटल 5, दो बार होना चाहिए था, लेफ्ट 4 × 4, ठीक है, 4 × 4 ये हो गया 25 और ये हो गया 16। 25 पे कितना दिया हुआ है 100, तो 16 पे कितना हो जाएगा 64 लीटर। 16 पे कितना हो जाएगा 64 लीटर। ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों, आई होप। आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट टाइप, उसी कंटिन्यू सीरीज में अगर हम बात करें तो दोस्तों इसमें दिया हुआ कि किसी कंटेनर में 125 लीटर मिल्क है, कुछ क्वांटिटी कितनी नहीं पता निकाली गई और उतना ही पानी डाल दिया गया है। फिर से ये प्रोसेस दो बार और रिपीट हुआ, यानी कि टोटल 3 बार रिपीट हो गया। इसने लिखा है 2 more times, इसका मतलब है 3 बार रिपीट हो गया। तो बची हुई जो क्वांटिटी है उसमें मिल्क और वाटर का जो रेशियो है 64:61 है। तो आपको बताना है कि मिल्क की जो क्वांटिटी है वो टोटल क्वांटिटी कितनी बची है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, इसी में हम इसको कंटिन्यू करते हैं। करेंगे कैसे, दोस्तों हमारे पास में कितनी बार प्रोसेस रिपीट हुआ है 3 बार। 64 मिल्क की रेशियो था और वाटर का 61, यानी कि दो टोटल की अगर मैं बात करूं तो हो जाएगा 125। ये मिल्क और मिक्सचर का रेशियो हो गया। इसका क्यूब रूट लगा दो, क्यों, क्योंकि हमारा 3 बार प्रोसेस रिपीट हुआ है, 4:5। ये हो गया दोस्तों मिक्सचर और ये हो गया मेरा क्या, मिल्क, जो बची होगी बाद में जो लेफ्ट क्वांटिटी होगी, और ये इनिशियल क्वांटिटी होगी। तो इनिशियल में मिल्क कितना था 125 लीटर, दैट मींस 25, और बाद में कितना हो जाएगा 100 लीटर, बाद में कितना हो जाएगा 100 लीटर, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। मिक्सचर एलिगेशन में जितना भी मतलब मोस्टली टाइप थे मैंने फिनिश कर दिए यहाँ पे, और अगर आपके पास में कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप ईमेल कर सकते हो, ठीक है, और या फिर यहीं पे नीचे कमेंट पे आप उसको पोस्ट करते कर सकते हो क्वेश्चंस को, तो जितनी जल्दी हो सकेगा, पॉसिबल हो सकेगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपसे दोस्तों फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू कीजिए इसको, ताकि ये बहुत लोगों तक पहुँचे। शेयर कीजिए जितना हो सके, मेरे हर किसी भाई को इसका फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। मेरी ईमेल आईडी आप नोट डाउन कर लीजिए, malikhiten81@gmail.com, ठीक है दोस्तों। जल्द से जल्द दूसरी वीडियो आएगी बहुत ही जल्द, मैथमेटिक्स की कोई भी टॉपिक का एक उठा लेंगे और उसको हम पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कीप वॉचिंग।